सिंह फाउंडेशन गोरखपुर के बैनर तले जटाशंकर गुरुद्वारे के जसपाल सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन सिखों के से छीन कर पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रबंध सेना और ISI को दे दिया है, जिसका आज़ाद हिंद फाउंडेशन पुरजोर विरोध करती है। वहीं फाउंडेशन के सदस्यों ने एक मांग की कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर जिससे कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन साहिब सिख समुदाय को वापस मिल सके। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक साकिर अली सलमानी सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। देख रेख पूजा पद्धति का सारा संस्कार वो सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब के द्वारा सिखों के द्वारा की जाएगी। आज तक उस परंपरा का पालन होता आया है, लेकिन पिछले दो दिनों पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी ने एक गंदी सोच के तहत एक ऐसा काम किया कि सिखों के गुरुद्वारों में से सिखों का वो हक SGPC को निकाल दिया उन्होंने, और अपने पाकिस्तान के 5 लोगों के की कमेटी बनाकर उसके हाथ में गुरुद्वारा करतारपुर साहब जो हमारा बहुत बड़ा स्थान है उसकी देखरेख के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बना दी अपने पाकिस्तान की, अब उसका देखरेख करेगी। और सबसे दुख की बात यह है कि जिस कमेटी को उन्होंने बनाया है उसमें एक भी सिख नहीं है। आज जब हमारे गुरुद्वारे हों और उसमें एक सिख ना हो उस कमेटी में, तो हमारी पूजा पद्धति हमारे धर्म संस्कार कैसे सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। प्रबंधक कमेटी को भंग करके और वो जो नई कमेटी बनी है उसमें किसी भी सिख धर्मावलंबी को सदस्य नहीं बनाया गया और वो पूरी कमेटी भंग कर दी गई और गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। मेरी ये मांग है हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की तरफ से और आज़ाद हिंद फाउंडेशन की तरफ से। विजय कुमार श्रीवास्तव जी इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष जटाशंकर से हमारे जसपाल सिंह जी हैं, जगनैन सिंह साहब हैं, सुधीर झा साहब हैं, सारे लोगों की ये मांग है भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से, कि आप विश्व स्तर पर इस मामले को ले जाएं कि किसी भी धर्म के आस्था के प्रतीक चिन्हों पर कोई भी गुस्ताखी या अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रबंधक कमेटी जैसे पहले थी गुरुद्वारा की उसी तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट पहले की तरह बहाल करे। ये प्रधानमंत्री जी मांग करें।